सर, यहाँ एक बात, लफ्ज़े कव्वाली चूंकि हमारे उर्फ में, ये जो हमारे सूफिया के यहाँ जिसकी इजाज़त दी गई है जिस कव्वाली की, उसकी सात शरायत हैं कि सबसे पहले वो कलाम तौहीद और रिसालत या अज़मत सहाबा और आले बैत पर मुश्तमिल हो, कव्वाली करने वाला बाशारा हो, कव्वाली सुनने वाले बावजू और बाशारा हों, और इन में कोई ऐसा मौजूद ना हो पढ़ने वाला या सुनने वाला जिसमें अमरद हो, और इसके अलावा जिस पीर तरीकत के दरबार में ये हो रहा है वो साहिब सज्जादा, वो साहिब, ताकि वो जो रानुमाई करने वाले है वो भी उस मजलिस में बाशारा हो और वो वहाँ पर मौजूद हो। उसके बाद अगर वो कलाम तगन्नी किया जा रहा है, उसको गाया जा रहा है, उसको तरन्नुम में पढ़ा जा रहा है, तो उसकी इजाज़त है। ये जो आगे ढोल और मजामी देखे, जो बाकी जो हारमोनियम बाजे शाजे, उसका तो हम भी दिफा नहीं करते, लेकिन ये जो जिसको कहते हैं दफ दफ दफ, दफ के हवाले से इजाजत है। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दफ बजाया मदीने की बच्चों, तो हम यक जुम्बश कलम हराम का फतवा लगाते हैं। जरा सोचा जाए, पूछा जाए कि उसमें क्या है, तो उसमें दफ साहब से ही पूछ लें कि जो शरायत इन्होंने कवाल के लिए रखी है या कवाल की, उन्हें बता दी शरायत ये। नहीं नहीं, मैंने तो शुरू में कह दिया था हो रही है तो ये नहीं है इसके मुताबिक नहीं। अच्छा, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो शरायत इन्होंने बताई है, इस शरायत पर कवाली कहाँ हो रही है? हो रही नहीं, हो रही ना, जहाँ होती है वहाँ वो बता रहे हैं। आप आज भी ऐसे लेके चले मौजूद हैं, सज्जादा निशान मौजूद है, ऐसी होती है, उसूल मुतय्यन है, उसूल के मुताबिक है तो सही है। नहीं, जाएंगे खाली साहब को ले चलेंगे ना, आपने क्या, आप देखिए कवाल भी बाशरा हो और उसके साथ आपको दिखाएंगे ना क्या हो रहा है। आप होती है, एक बात ये है ना, एक बात और भी सुने, अगर डॉक्टर साहब इस तरह हम तनकीद करें, गोला शरीफ में हजरत बाबूजी ने अपने कव्वाल को खुद कलाम सिखाया था, आदाब से सुनते थे और महफिल में इजाजत नहीं थी और ताली भी नहीं इस तरह होती थी, तो सियाल शरीफ में आज भी इसी तरह बहुत है, एहतियात करने वाले हैं डॉक्टर साहब। दूसरी बात यह है कि कारी साहब आने के लिए तैयार हो कव्वाली की महफिल में, हम बाशरा लोग दिखा देंगे। एक बात बड़ी अहम है, नहीं डॉक्टर साहब, आप यही गाए, मैं सुनने को तैयार हूँ, आप यही गाए, हम यहाँ भी बजा देंगे दफा, क्योंकि यहाँ तबला भी नहीं है, सरंगी भी नहीं है, आप गए दफ के साथ यहाँ भी बजा देंगे, आप सुनने के लिए तैयार, तबला ना सरंगी। एक डॉक्टर साहब, एक बात है, जिन आज तक हमारे उलमा, उस दिन कुरैशी साहब ने कहा, कुकब साहब ने कहा, आज तक हम तशरीहात तशरीहन बयान कर रहे हैं और बता रहे हैं कि मज़ारात पर जो कुछ खिलाफ शरा काम होता है, हम उसके सरासर खिलाफ हैं, जंग के, भंग के, चरस के, और बार बार हम, तो क्या उसके बावजूद आज तक किसी मुखालिफ प्लेटफॉर्म से उन मजारात पर जहाँ खिलाफ शरा काम नहीं होता, क्या उनकी ताईद हुई? कभी भी नहीं। वो तो सामने रखकर औलिया को रगड़ा जाता है। अब जब दूसरी बात यह है कि एक बार डॉक्टर सुन लीजिएगा, डॉक्टर ये बात सुनिएगा, एक बात सुनिएगा, हुजूर अलैहिस्सलाम की जात अकदस से अगर एक सवारी में गदा भी साबित है ना, एक गदा भी साबित है, उसका भी एहतराम ना, एहतराम तो है ही है, मेरी बात सुनिए, अगर एक गधा भी साबित है हुजूर की सवारी से, तो अपने लिए उलमा ने लैंड क्रूजर भी साबित कर ली उसे एक गधे से, भाई हुजूर ने सवारी फरमाई थी लिहाजा सवारी जायज है, जहाज भी साबित कर लिया अपने लिए कि भी सवारी हुजूर से साबित है, अब हुजूर से गधा साबित है, अपने लिए लैंड क्रूजर साबित कर ली है उसे एक गधे से, तो बात यह है कि जहां दफ साबित है, मैं गधा दराज गोश बात एक ही है ना, जहां दफ साबित है तो दफ के साथ अगर हुजूर की नात पढ़ ली जाए और हुजूर के सामने पढ़ी गई और आज पढ़ ली जाए, तो जब अपने लिए लैंड क्रूजर साबित हो सकती है, तो मौजूदा दौर में अगर दफ के साथ नात पढ़ ली जाए तो उसे भी साबित। हमारे लिए छोड़े हैं, आप लाहौर से किस पे आए हैं? मैं तो जवाज का कायल हूँ ना, मसला आपके लिए, वो जवाज के कायल हैं। नहीं, ये तो तनकीद तो हम पे हो रही है ना कि हम अपने लिए लैंड कर रहे हैं, आप क्यों समझते हैं? हाँ, आप पे नहीं हो रही, आप पे तनकीद नहीं हो रही, आप क्यों समझते हैं? जी, इसका मतलब ये करते हैं नहीं, ये